तेरी अच्छी किस्मत है बालवीर कि तू सूरज की रोशनी से मरा। अगर मैंने मारा होता तो तू तड़पता रहता। हागीर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम सबको खत्म कर सकती हूं, पर मैं चाहती हूं कि बालवीर की ये लाश तुम उस सुल्तान के पास लेकर जाओ, इसीलिए बख्श रही हूं। बालवीर, बालवीर तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना? बालवीर, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बालवीर, बालवीर उठो, बालवीर, बालवीर उठो। बड़ा ही शुभ दिन है आज, बालवीर भी खत्म हो गया और भस्म शूल भी। मलाइका बेटा, इन्हें कहाँ ले जा रही हूँ? दादाजी, इनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम इन्हें इस तरह नहीं ले जा सकती। मतलब ये कि हमारे फैमिली डॉक्टर यहीं पास ही में है, मैं उन्हें अभी फोन करूंगा, वो फौरन आ जाएंगे। मैं फोन लगाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इनकी जान को खतरा हो सकता है, हम रुक नहीं सकते। हो सकता है डॉक्टर साहब फोन पर ही कोई ना कोई दवा बता दें और इनका इलाज शुरू हो जाए। नहीं, वक्त बहुत कम है। बालवीर की आंखें खुल गई है, तिलक नेहमाग, बालवीर, बालवीर, तुमने एक बार फिर मौत को मात दे दी। कर दिखाया बालवीर, जब आगिल और उसके साथी देखेंगे उनका चेहरा देखने लायक होगा। कमाल कर दिया तुमने बालवीर। हमने नहमाक, हमने। मुझे माफ करना बेटा, मैं पापा जी, मैंने वीर की जान बचाने के लिए ये सब किया। बिना बिना आप ठीक है ना? अब ठीक हो? ये मैंने ये सिरिंज बेनाम के गले में मार दी, मैंने सही किया ना? बिल्कुल ठीक किया। अब बेनाम की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अब मेरे बेटे वीर को इससे कोई खतरा तो नहीं है ना? अब वीर को कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी मुर्दों को दर्द नहीं होता है। ये क्या कह रहे हैं आप? बेवकूफ इंसानों, मैंने इस्तेमाल किया तुम लोगों का। बालवीर को बेनाम से नहीं, असल खतरा मुझसे है। बेनाम की अब सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसकी सारी शक्तियां मुझे मिल जाएंगी। उसके बाद मैं बालवीर से उसका शक्तिपुंज छीन कर उस दुनिया का विनाश करूंगा, क्योंकि विनाश और विध्वंस यही भस्म की पहचान है। नहीं,
कभी तो नाच लिया करो, हमेशा वही बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किश, किश, किश। अरे कोई बात नहीं भांजी, जो तुम नहीं कर पाई ना वो तेरे मामा ने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? तेरे मामा की दी हुई शक्ति हर बूटी की वजह से भस्म बेनाम की शक्तियाँ छीन पाया है। और इतना ही नहीं, और बेनाम कुछ नहीं कर पाई, समझे? और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ तेरे मामा की वजह से। कभी कभी तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। खतरनाक तोबा तोबा की। जय हो, जय हो। नाच लो मामा, नाच लो आज, क्योंकि आज आगील भी भस्म शूल को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर चुकी है। और अब बालवीर उसे कभी भी जोड़ नहीं पाएगा। क्या तुमने बालवीर को हरा दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भांजी, ऐसा लोग कहेंगे, क्योंकि तुमने आज तक बालवीर को कभी हराया नहीं ना भांजी। लेकिन आज जीत आगी बालवीर की हुई। हाँ आगील, बालवीर फिर से तुमसे जीत गया, उसने भस्म शूल जोड़ लिया है। क्या शक्ति हर बूटी के शरीर में जाने के बाद शक्तियों का इस्तेमाल करना व्यर्थ है बेनाम। और ये सारा कमाल इन दोनों ने किया है। मैंने तो बस इनको एक झूठी कहानी सुनाई और इन्होंने उस बात पर अमल कर लिया। अब कुछ घंटों के लिए तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बेनाम, आप हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप माफी मत मांगिए, आपको कुछ पता नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो आप बेनाम करने वाली है मुझे मेरी शक्तियों का पता बता कर। बताओ, जिस चक्राल ने मेरे अंदर से मेरी शक्तियां छीन ली थी, अब तुम बताओगी कि वो शक्तियां कहाँ है? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मैं सोच विचार में समय व्यर्थ नहीं करता, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि भस्म का दूसरा नाम विनाश और विध्वंस है। भस्मा, उन दोनों को कुछ करने का सोचना भी मत। तो अपना, मेरा और सबका समय व्यर्थ ना करते हुए चुपचाप बता दो कि मेरी शक्तियां कहां है। नहीं बेनाम, हमारी गलती की सजा मौत है। अगर हमें मौत भी आ जाए तो वो हमें मंजूर होगी, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन हमारी गलती की वजह से निर्दोष लोगों की जाने जाएं, ये हम हरगिज नहीं चाहेंगे। बिल्कुल मत बताना। ये दोनों अगर मर भी जाए ना, तो मुझे मेरी शक्तियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। पर तुम मरना चाहते हो तो फिर यही सही। नहीं,
भस्म की शक्तियां किसी भी रूप में अगर किसी और के हाथ लग गई तो विनाश होगा। इसलिए हमें इसे किसी सुरक्षित और गुप्त जगह पे छुपाना होगा। बेनाम इसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। भस्म पर रुक जाओ, कुछ मत करो उन दोनों को। नहीं, रुको, मैं तुम्हें चक्राल तक ले जाऊंगी। छोड़ दो उन्हें। सिर्फ चक्राल तक ही ले जाना, क्योंकि अगर गलत दिशा में भटकने की कोशिश की तो ये दोनों। और हाँ, एक बात और, मेरे यहां से जाने के बाद भी इन लोगों के सर पर मौत का साया मंडराता रहेगा। यह है हिमबाश लोक की वो विस्फोटक अंगूठी जो मेरे एक ही इशारे पर इन दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। बाबा जी, ये अगर तुम लोगों ने इस घेरे को तोड़ने या बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं वहीं पर इस अंगूठी को उतार कर जमीन पर पटक दूंगा और उसके बाद यहां पर विस्फोट हो जाएगा और तुम दोनों हमेशा के लिए भस्म हो जाओगे। नहीं बेनाम, तुम हमारी जान की चिंता बिल्कुल मत करना। हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे हम तो अपने वीर बालवीर की मदद करना चाहते थे बस। मीना, मैंने ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए किया, पर चाहे कुछ हो जाए इस आदमी को इसकी शक्तियां कभी मत देना। प्लीज मीना, ये अनर्थ मत करना। इसका मतलब बस मैंने मशीन के साथ छेड़खानी की और मुझे गलत सिग्नल मिल गया। अरे चले। नहीं बेना, ऐसा मत करना। इसे इसकी शक्तियां वापस मत देना। इसके साथ मत जाना बेना। मुझे माफ कर देना पालवी, मुझे भस्म को चक्राल तक ले ही जाना होगा, वरना ये तुम्हारे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देगा। चलो चलते हैं चक्राल के पास। ये क्या बकवास है? बालवीर को हमने हमारे सामने हार कर गिरते हुए देखा है। तब तक तो भस्मशूल नहीं जुड़ा था। हाँ, पर तब तक भस्मशूल की शक्तियाँ वापस आ चुकी थीं। बालवीर के गिरते ही भस्मशूल अपने आप जुड़ना और चार्ज होना शुरू हो गया था। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि ये हो चुका है। बालवीर के पास अब भस्मशूल है और वो कभी भी भस्म को पत्थर बना के क्रंकार लोक में कैद कर सकता है। नहीं, बालवीर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भस्म की शक्तियां अब वापस आ जाएंगी, फिर बालवीर उसे आसानी से नहीं हरा पाएगा। और भस्म भी इतनी आसानी से बालवीर को नहीं हरा पाएगा। भले ही मैंने उत्तान को धोखा दिया हो, लेकिन मैं उत्तान की सिखाई हुई एक बात कभी नहीं भूलता, कि अपने दुश्मन को खुद से कम कभी नहीं आंकना चाहिए, खास तौर पे जब वो दुश्मन बालवीर हो। तो क्या तुम डरकर पीछे हटने का सोच रहे हो? नहीं, इस वक्त
बालवीर को हराने का मास्टर प्लान सोच रहा हूं। देखिए आप दोनों डरिए मत, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इस विस्फोटक को, मतलब कि ये जो कुछ भी है, मैं इसे ब्लास्ट नहीं होने दूंगा, मैं इसे डिफ्यूज करके रहूंगा। अरे बेटा पिछले आधे घंटे से तुम यही बोले जा रहे हो। बालवीर के दोस्त होकर ना तुम खुद उसे बुला रहे हो ना हम लोगों को ही बुलाने दे रहे हो। हाँ तुम जाकर बालवीर को बताओ कि उसे जल्द से जल्द जाकर भस्म को रोकना है। अरे दीदी आप समझ नहीं रही है, बालवीर जहाँ पर भी है ना हम उसे संपर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब आप धरतीवासी भी नहीं कर पाएंगे और हम भी नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर रुको बालवीर, इस गियर को क्रॉस मत करो वरना विस्फोट हो जाएगा। किससे किया ये सब? वो भस्म ने। भस्म के बारे में आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं वीर बेटा, वीर, हाँ हम जानते हैं वीर बेटा कि तू ही बालवीर है। कैसे? और आप दोनों को पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और भस्मा ने ये सब क्यों किया? इन लोगों के आसपास ये जादुई घेरा क्यों है? वीर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हम तेरे सारे सवालों के जवाब देंगे लेकिन बाद में, अभी टाइम बहुत कम है। समय कम है किस बात के लिए? भस्म को रोकने के लिए बेटा, वो बेनाम को हमारी जान का वास्ता देकर यहाँ से ले गया है ताकि बेनाम उसे उसकी शक्तियों तक पहुँचा दे। क्या? हाँ तुझे जल्द से जल्द जाकर भस्म को रोकना है बेटा, तू जा। लेकिन आप दोनों को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता? वीर तू हमें छुड़ाने की कोशिश करेगा तो बहुत देर हो जाएगी बेटा। बेटा तो हमारी चिंता मत कर, जब तक कोई इस घेरे के अंदर या इस घेरे से बाहर नहीं जाता है तब तक हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तू जल्दी जा बेटा। लेकिन आप दोनों यहाँ पर वीर, बेटा तू जा, दादाजी ने कहा ना कि हम सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जा वीर जा, तू हमारी चिंता मत कर बेटा, तू अपना फर्ज निभा, दुनिया को बचाना ही बालवीर का फर्ज है, दुनिया की रक्षा करना ही बालवीर का फर्ज है। तुझे मेरी कसम है वीर। जाओ बालवीर जाओ, यहाँ की परवाह मत करो तुम, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, मेरे जीते जी मैं इन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, जाओ तुम। बेटा जाओ। जा बेटा जा, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये एक बेटे का वादा है आप दोनों से। यहां पर गाड़ कर रखा हुआ है चक्राल को, जल्दी करो बेनाम, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि अगर मेरे सब्र का प्याला छलक गया तो बालवीर के पृथ्वी वाले परिवार का अजंत हो जाएगा। भस्म, चक्राल यही जमीन में गाड़ के रखा है, नहीं भस्म नहीं, मैं सच कह रही हूं, चक्राल यहीं पे है, तुमने मेरी सारी शक्तियां छीन ली है, वरना मैं ही चक्राल निकाल के दे देती। अच्छा और उससे पहले तुम मेरी याददाश्त गायब करती उसका क्या? तो फिर ढूंढ लो कोई हथियार यहाँ से और जमीन खोदना शुरू कर दो, तुम्हें तुम्हारा चक्राल मिल जाएगा। जितना वक्त भस्म को जमीन खोदने में लगेगा शायद उतनी देर में बालवीर लौट आए
और भस्म को उसकी शक्तियां पाने से रोक सके। नहीं नहीं भस्म, मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब तुम बालवीर के परिवार को कोई नुकसान मत पहुंचाना। बालवीर का परिवार यानी कि तुम और मैं, उसके असल माता पिता। तुम्हारी गलती की वजह से आज हम दोनों साथ में नहीं हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। हस्म की गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। अगर बालवीर के परिवार को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हस्म हस्म देखो, मुझे जितना पता था मैंने सब कुछ बता दिया है। डर गई बेनाम, मैं तो बस तुमको तड़पते हुए देखना चाहता था। इतने सालों में अपने पति की शक्ति को भी भूल गई तुम, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी? नहीं, मेरे अंदर की गर्माहट महसूस करके सारी शक्तियां मेरे पास खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। देखना चाहती हो? मुझे माफ कर दो बालवीर, मैं भस्म की शक्तियों को संभाल कर नहीं रख पाई। भस्म का बल वापस लौट आया है, अब मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल गई। विनाश और विध्वंस फिर फैलाएगा भस्म। जो भी मेरे परिवार पर प्रहार करेगा उससे मैं जड़ से मिटा दूंगा, चाहे वो प्रहार मेरे पिताजी का ही क्यों ना हो। अपने उस नकली परिवार के लिए उसने अपने इस असली बाप को मारना चाहा ना? अब ना सिर्फ उस शक्ति पुंज को पाने के बाद मैं बालवीर को अधमरा करूंगा, बल्कि उसके उस नकली परिवार को भी खत्म कर दूंगा। एक बार भस्म बालवीर को खत्म कर दे, फिर भस्म को मैं खत्म करूंगी।